नमस्कार, मैं ललित कुमार। दशमलव के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे कई दर्शक अब बार बार पूछ रहे हैं कि सैटरडे सवाल को क्या हुआ, तो मैंने सोचा कि ये बात हम डिक्लेयर कर ही देते हैं कि फ़िलहाल हमारी टीम ने, दशमलव की टीम ने डिसाइड किया है कि हम सैटरडे सवाल के जो एपिसोड्स हैं, जो कि वीकली आया करते थे, उसको अभी रोक रहे हैं। भविष्य में हो सकता है हम इसको फिर से शुरू करें, लेकिन फ़िलहाल हमने सैटरडे सवाल बंद कर दिया है। पर उसकी जगह मैं एक छोटे छोटे एपिसोड्स मैं बीच बीच में लाता रहूँगा दशमलव वार्ता के नाम से, जिसमें बेसिकली मेरी आपसे बातचीत होगी। ये सवाल जवाब का सेशन नहीं होगा। ये दशमलव वार्ता का पहला वीडियो है, तो इसमें मैं सैटरडे सवाल की तरह ही अलग अलग पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा। तो एक तो ये बात हुई कि सैटरडे सवाल हमने बंद कर दिया है। दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि सैटरडे सवाल के जो 21 एपिसोड हमने किए, उसमें हम अपने कुछ दर्शकों को स्टार कमेंटेटर का दर्जा देते थे, और अब जबकि मेरी पुस्तक विटामिन जिंदगी प्रकाशित हो गई है, तो मैंने ये निश्चय किया है कि हमारे जो भी स्टार कमेंटेटर्स हैं, उन सबको मैं विटामिन जिंदगी की एक एक प्रति अपनी ओर से उपहार में दूं। तो अगले 2 हफ्तों के दौरान मैं अपने सारे स्टार कमेंटेटर्स से निवेदन कर रहा हूं कि अगले 2 हफ्तों के दौरान वे अपना एड्रेस कमेंट में लिखकर मुझे भेज दें। उस एड्रेस को मैं पब्लिक नहीं करूंगा, केवल उसे नोट करके अपने पास रख के और उस कमेंट को मैं डिलीट कर दूंगा, और फिर उस पते पर मैं आपको पुस्तक भिजवाऊँगा। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इसके अलावा भी दशमलव चैनल के कुछ दर्शक, विटामिन जिंदगी के कुछ पाठक, उन्होंने ये बात मुझे कही है कि वे कुछ ऐसे लोगों तक विटामिन जिंदगी की फ्री कॉपीज़ पहुंचाना चाहते हैं, जो इस किताब को पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो इसको ख़रीद नहीं सकते। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं लेकिन आप इसको ख़रीद नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में भी आप अपना एड्रेस मुझे कमेंट के ज़रिए बता दें, और मैं ऐसी एक निशुल्क प्रति आपके पास भिजवाने का प्रयास करूँगा। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि चूँकि ये ऐसा ना हो कि आपको नहीं पढ़ना है लेकिन जस्ट आपको लग रहा है कि प्रति फ्री में मिल रही है तो हम इसके लिए अप्लाई कर देते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है, ये अच्छा व्यवहार नहीं है। अगर आप पुस्तकें पढ़ते हैं और अगर आपको ये लगता है कि आप वास्तव में विटामिन ज़िंदगी पढ़ना चाहते हैं, तो आप ज़रूर अपना एड्रेस दीजिए और हमें बहुत खुशी होगी कि हम आप तक एक प्रति पहुँचा पाएँ। मेरा जो सारा इस पहले एपिसोड का जो मूल संदेश है वो ये कि अपने व्यक्तित्व के विकास पर प्लीज़ ध्यान दीजिए। आप हमारे जो व्यक्तित्व विकास से संबंधित जो मेरे वीडियोस होते हैं, मैंने देखा है उसके ऊपर बहुत कम संख्या में व्यूज़ होते हैं, बहुत कम संख्या में लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही हम फ्री स्कूटी ऐसा कुछ करके एक वीडियो डाल देते हैं, तो उसके ऊपर व्यूज़ की और कमेंट्स की और लाइक्स की भरमार हो जाती है। सो हमको कहीं ना कहीं अपने आप के ऊपर ये बोझ डालना होगा कि हमारा काम केवल फ्री चीज़ों से नहीं चलेगा, हमको अपने बल पे मेहनत करनी है, चीज़ों को सीखना है, और तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। सो दशमलव वार्ता में भी मेरे साथ उसी तरह से बने रहिएगा जैसे कि आप सैटरडे सवाल में बने रहे। दशमलव वार्ता के दौरान भी मैं कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं इसके अंदर सवालों के जवाब दूंगा। ये बेसिकली मेरी तरफ से आपकी ओर एक बातचीत है। मैं जो भी कहना चाहूँगा, जो भी मेरे मन में होगा, वो मैं आपको बताऊँगा। एक बात और चलते चलते, दशमलव चैनल हमारी टीम का चैनल है, तो वो किस दिशा में चलेगा, उस पर हम क्या पब्लिश करेंगे, ये हमारी टीम डिसाइड करेगी। सो हम चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ उपयोगी चीज़ें सामने लेकर आएं जो कि हम लाते रहते हैं, लेकिन आप इसको कृपया ऐसा ना माने कि अगर कोई चीज़ आपके मन के मुताबिक नहीं चल रही है
तो हम उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारी हमारा एक प्रयास है आपको कुछ मदद पहुंचाने का, कुछ आप तक जानकारी पहुंचाने का, कुछ आपके भीतर आत्मविश्वास जगाने का, लेकिन हम इस बात के लिए बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं हैं कि आपको ये लगता है कि ये चैनल आपके लिए लाभदायक नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये चैनल या इसके वीडियोस आपके लिए लाभदायक नहीं है तो आप इसको ना भी देखें तो ठीक है, लेकिन खोज कर देखिए, आपको दशमलव के अंदर बहुत कुछ ऐसा जानने सीखने को मिलेगा जो यकीनन आपके जीवन को एक बेहतर दिशा दे सकता है। मेरे साथ बने रहिए, नमस्कार।